नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज अब बोर्ड की परीक्षाएं की तैयारी भरपूर चल रही है। हर कोई बच्चा अपने बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। तो आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं आपके मोटिवेशन के लिए, जिससे कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम की, अच्छा रिजल्ट दे सकें बोर्ड एग्ज़ाम में, क्या होना चाहिए तैयारी का तरीका और कैसे पाएंगे आप अच्छे नंबर, क्या करना चाहिए मुझे आज के समय में कि हम लोग कुछ अलग हट के करें, कुछ अलग पहचान बनाएं, अच्छों दूसरों से अच्छे नंबर ला सकें। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है। एक तो चैप्टर वैसे ही घटा दिए गए हैं, चैप्टर जो घटे हुए हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, उनको आप देख के जान सकते हैं कि चैप्टर्स कितने कम हो चुके हैं, यानी 30% सिलेबस ऑलरेडी कम हो चुका है। ये आप खूब भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उस बचे हुए सिलेबस में आपको करना क्या है, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि उस तरीके से आप तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपको। अब बिल्कुल अलग हट के तरीका है, आप क्या करिए, चैप्टर वाइज शीट बनाइए। अब ये चैप्टर वाइज शीट क्या होती है, कैसे बनाएंगे चैप्टर वाइज शीट, क्या करना है कि जैसे कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप A4 पेपर ले लीजिए और A4 पेपर पर आप क्या करें, रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा आपका, बहुत ही बढ़िया तैयारी होगी आपकी, यानी फुल प्रिपरेशन के साथ आप बने रहेंगे। तो एक आप A4 पेपर ले लीजिए, A4 पेपर पर आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए आपने चैप्टर सॉलिड तैयार किया, मैं आपको एक दो चैप्टर का हिंट दूंगा तो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, आगे चैप्टर बना लेंगे। मान लीजिए आपने सॉलिड चैप्टर कंसीडर किया, सॉलिड चैप्टर में सबसे पहले A4 पेपर पे ऊपर लिखिए सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन मार दीजिए सॉलिड के ऊपर क्या होता है, सॉलिड को डिवाइड कर दिए 2 पार्ट्स में, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, यानी एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ये भी आपने जान लिया। दोनों के बारे में लिख दीजिए कि इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके शार्प नहीं होते हैं, है ना, एक आइसोट्रॉपी शो करता है, एक एनआइसोट्रॉपी शो करता है, एंड सो ऑन करके सबके बारे में लिखिए। इसी तरीके से थोड़ा सा एक टॉपिक लिख लीजिए आपकी, ये आपका जो है क्यूबिक लैटिस क्या होता है, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, ब्रेविस लैटिस क्या होता है, छोटे से कॉलम में इसको दीजिए। फिर क्लासिफाई कर दीजिए कि आयनिक सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं, इस तरीके से क्लासिफिकेशन दीजिए। देन पैकिंग इफिशियंसी बना दीजिए, पैकिंग इफिशियंसी कॉमनली लिख लीजिए कि सिंपल की इतनी होती है, बॉडी सेंटर्ड कितनी होती है, फेस सेंटर्ड कितनी होती है, इस तरीके से आप यानी सब मटेरियल को आप एक पन्ने पे धीरे धीरे समेटते चले जाइए, और एंड पे जा करके जब आप लास्ट में पहुँचेंगे तो उसके क्या डिटेल लिखना है आपको पता है कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते क्या हैं, है ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो भी सॉलिड्स का, हाँ, पूरा आप एक A4 साइज के पेज में लिख सकते हैं, कम लगे तो आप 2 पेज यूज कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द क्विक अप्रोचेस, यानी कि अगर आप बोर्ड की तैयारी करेंगे और आप बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे पूरी किताब लेने से बेटर लेके बैठने से बेटर होगा कि आप तैयारी एक छोटे छोटे नोट्स में करेंगे। तो इसके बहाने फायदा क्या होगा, इसके बहाने आपका एक तो चैप्टर तैयार होगा, नंबर एक, और दूसरा फायदा आपको यह होने वाला है कि आपके सामने क्विक रिवीजन नोट्स भी तैयार होंगे। तो अगर आपको 13 चैप्टर आ रहे हो, 13 चैप्टर का यह काम करना पड़े तो हार्डली मैं कहता हूं 13 दिन से ज्यादा का काम नहीं, एक दिन में एक पेज लिखिए आप तो 13 दिन में 13 लिख जाएंगे और आसानी से आप सबके नोट्स बना लेंगे। मेरी तरफ से आपको यह राय होगी कि NCERT का जितना भी मटेरियल है उसमें से, चाहे वो UP बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो ISC बोर्ड के बच्चे हों, एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मैंने अभी तक का अनुभव यही कह रहा है कि आपने जो पेपर्स अभी तक देखे हैं उनमें NCERT के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स तैयार करें NCERT, एंड NCERT पर मेन फोकस करें, बाकी साइड बुक जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, इट इज़ नॉट ए मैटर, बट NCERT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन
आपको एक स्ट्रेटजी के तहत बोर्ड में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। मैंने बहुत सारे तरीके भी आपको पहले भी बता रखे कि बोर्ड में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आज मैंने फिर आपको एक नया तरीका बताया कि 13 पेज की एक छोटी सी किताब बना सकते हैं, 13 पेज के छोटे से नोट्स बना सकते हैं, यानी क्योंकि 13 चैप्टर आ रहे हैं 2021 के अंदर, 13 चैप्टर्स हैं मात्र, इन 13 चैप्टर्स पे भी आप फोकस न कर पाए तो शायद ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। ये मौका है आपके साथ कि इन 13 चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए, बिल्कुल 100% नंबर आपको मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम टफ है, इजी इट इज़ नॉट ए मैटर, लेकिन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप थोड़ा हट के चलना सीखिए, दूसरों के तरीके पे फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।